बाय जाओ जाओ बाय। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भी बज रहे सुबह के 8 और अभी मैं उठा हूँ और आज मेरे लेट उठने का सबसे आखिरी दिन है क्योंकि अब से मेरी छुट्टियाँ खत्म और कल से मेरा ट्यूशन स्टार्ट। तो मुझे कल से अब 6 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि ट्यूशन दे रहता है सुबह 7 बजे। तो भाई मुझे तो लेट उठने की आदत पड़ गई है, पर अब आदत डालनी पड़ेगी सुबह जल्दी उठने की। तो कल से शुरू हो जाएगा मेरा सुबह जल्दी उठना। और कार्तिक रोहन तो आज सुबह जल्दी उठ गए थे भाई, 7 बजे उठ गए थे आज, नहीं तो फिर 8 बजे 8:30 बजे ऐसे उठते थे स्कूल जाने की खुशी में। भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अब जाना पड़ता है भाई स्कूल जाने की खुशी। देखो भाई के चेहरे पर, आज किताबें मिलने वाली है ना, इसलिए किताबें मिलने की खुशी में। देखो स्कूल जाने की खुशी नहीं है, किताबें मिलने की खुशी। सिर्फ किताबें लोगे या पढ़ाई वढ़ाई भी करोगे? पढ़ाई करना पड़ेंगे। और नोटबुक लाई कि नहीं अभी तक? लाई है। क्या परसों ही लाई है भाई? तुम्हारे तो मजे अब मस्त स्कूल मस्ती। तुम ट्यूशन होने के बाद जाएंगे घूमने? हम हाँ हाँ। तुम्हारे मजे, हमारे क्या मजे? कॉलेज रहता है भाई मेरा भी। कॉलेज क्या है, 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे तक। और भाई रोन तू पता नहीं सुबह जल्दी उठ गया था और ना कि रेडी हो गया, पता नहीं कहाँ पे चला गया तू। तुम्हारी स्कूल कितने बजे छूटने वाली है? 5 बजे। 5 बजे? कल तो तुम दोपहर को घर पे आ गए थे 2 बजे, क्योंकि 30 तारीख को स्कूल स्टार्ट होने वाली है। कल तो हम आई थी, चले गए थे। ऐसे चले गए थे स्कूल मस्ती करने? पर स्कूल तो 27 जून से शुरू होते ना? नहीं भाई, 30 तारीख को। 30 तारीख को फिर आज क्यों जा रहे तुम? मस्ती करने। मतलब स्कूल कल से ही शुरू हो गई है पर सिखाना 30 तारीख के बाद शुरू हो गया है ना? हाँ ऐसा है कुछ हो। तो गाइस रोहन पता है सुबह से रेडी होके कहाँ पे गया है? कंचे खेलने के लिए। देखो इनकी स्कूल तो शुरू की पर अभी तक कंचे बनने हुए। भाई अपना कार्तिक तो घर पर ही है, मस्त 2 बार खाना खाया, मस्त ऐश है उसकी, मस्त 2 बार खाना खाने का। फिर स्कूल में जाने के बाद खाने को नहीं मिलेगा ना? आज भात है स्कूल में, खिचड़ी। खिचड़ी मिलती क्या स्कूल में? आज से खिचड़ी स्कूल में, फिर तो मजा है तेरे। खिचड़ी खा पे गया तेरे? पर तू वहाँ पे तो कंची खेल रहा था। नहीं स्कूल जाना है क्या आज? हाँ जाना है। फिर कब निकलेंगे घर से? 9:30 हो रहे ना? 10:30 बजे। 10:30 बजे स्कूल भरने के बाद? अभी 10 बजे निकलने का घर से, फिर 10:30 बजे अच्छे से आराम से पहुंच जाओगे तुम। तुझे नहीं किताबी मिलने वाली है क्या? हाँ आज मिलने वाली, इसलिए तो स्कूल में जा रहा हूँ, मैं तो आज नहीं जाता। सिर्फ किताब के लिए स्कूल में? किताब के लिए स्कूल में जाना है आज? और पढ़ाई? पढ़ाई भी करनी है। देखो भाई ये लोग सिर्फ किताबों के लिए स्कूल जा रहे हैं। और पढ़ाई थोड़ी पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ किताब के लिए। सिर्फ थोड़ी पढ़ाई, फिर खेलने के लिए। बस 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 यही करो तुम, अभी पढ़ाई वढ़ाई करो। ये सब लोग स्कूल जाने के रेडी हो गए क्योंकि अभी बज रहे 10 और 10:30 बजे स्कूल भरती है। देखो सब साथ में जा रहे, जाओ जाओ स्कूल जाओ जाओ जाओ। हाय क्या जाओ जाओ। कार्तिक रोहन तो चले गए स्कूल, तो चलो मुझे भी हेयर कट करवाना है क्योंकि बाल देखो कैसे बढ़ गए मेरे। तो गाइस मैं हेयर कट करवाने तो गया था पर वहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लोग थे वहाँ पे, तो मेरा नंबर सबसे लास्ट था, तो मैं घर वापस चला आया। तो बाद में जाएंगे कभी, कल नहीं तो परसों। तो अब मैं नहा धो लेता हूँ क्योंकि सुबह से मैंने नहाया भी नहीं है। तो अभी गाइस मेरा नहाना हो गया है और आज हमारी गली देखो कितनी शांत लग रही है क्योंकि सब बच्चे चले गए स्कूल, तो आज घर पे भी कोई नहीं है, देखो गली हमारी। तो गाइस अभी मेरे दोपहर के 12:30 और मैंने टी शर्ट भी चेंज कर लिए क्योंकि अभी मुझे जाना है कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा बोनाफाइड का काम है। तो चलो चलते अब। तो गाइस अभी मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ और बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दिए, तो चलो अब अपना बोनाफाइड लेते। तो गाइस अभी बोनाफाइड मिल चुका है, तो चलो अब चलते सीधा घर। और स्कूल देखो कैसे शांत है क्योंकि अब स्कूल भर चुकी है और कॉलेज भी भर चुका है। ये देखो कोई भी नहीं है, सब अपने अपने क्लास में। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। खाना खाने के लिए 2 बजे खाना खाने की छुट्टी हुई।
आज 2 बजे खाना खाने के लिए छुट्टी की हुई कि स्कूल में आज चावल नहीं थे क्या? हाँ, हो गए थे चावल। हो गए थे? हाँ। कार्तिक तेरा खाना खाना हो गया? नहीं मिले। भाई तेरा तो मस्त है, खाना खाना, स्कूल जाना और आयश करना। तो गाइस अभी मेरा खाना पीना हो गया है, तो अब मैं कर रहा हूँ थोड़ी पढ़ाई। कार्तिक रोना अभी स्कूल से तो आ गए थे, बट पता नहीं फिर से कहाँ पे चले गए। तो आप पे गया था भाई, तू कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। कंची खेलने स्कूल से आती। तो गाइस अभी कार्तिक दिखा रहा है मुझे उसकी किताबें। और डुमंजा कहाँ पे गए? कहाँ पे? मयूर के घर गए। वो देखो कहाँ पे ढूंढ रहा है, वहाँ पे कंची खेल रहा है। ये मेरी नवी किताबें मिल गए। अब किताबें, अब स्कूल जाना है कि नहीं? फिर जाना है ना? नहीं, मुझे लगे किताबें मिल गए, अब क्या स्कूल जाने का काम है। ये कौन सी वाली है? कितनी मिली है किताबें? 2, 3, 4, 5। कितने कितने किताबें मिली है? 5। ये इंग्लिश की, ये मैथ, इतिहास, हिस्ट्री, शिवाजी महाराज। चौथी में गए हैं तो? हमें भी ऐसी बुक थी शिवाजी महाराज की चौथी में, यही थी। मराठी, परिसर अभ्यास, ये हमें नहीं था भाई, ये हमें नहीं था, ये सब था हमें, सिर्फ ये छोड़ के। मैं जब चौथी में था ना, मुझे सब किताबें थी। कहाँ पे गया था तू डुमंजा? कहाँ पे? कार्तिका देख के अबरोन भी मुझे उसकी किताबें दिखा रहा है। क्यों भाई, देखा देखी खुश हो गया भाई आज तो किताबें देख के? नई नई किताबें, देखो देखो कैसे हंस रहा है, देखो। हाँ डुमंजा, तेरी कौन सी है? तेरी कौन सी है? ये रोहन की इंग्लिश की बुक। दिखा दिखा ना एक बार, क्या खाने वाला है मैं तेरी किताबें। ये कौन सी वाली है? मुझे ठीक आई है। इंग्लिश, माय इंग्लिश बुक। पर इंग्लिश आती है? नहीं आती। फिर क्या पढ़ेगा इसमें? पढ़ने है। क्या? कुछ भी। कुछ पढ़ना आता है उसमें? कुछ हमें ये लिखने के। उसमें कुछ पढ़ना आता है क्या? पहले बता, उसमें कुछ पढ़ना आता है क्या? इंग्लिश का जाने दे, मराठी का कुछ आता है? आता है। एक बार पढ़ के दिखा। वो भी नहीं आता? फिर स्कूल किस लिए जाता है भाई तू? ये देखो, ये लिखने को बोला है। तीसरी क्लास में गया ना अब तू? भाई इसको अभी तो कुछ भी नहीं आता है। और मैथ? मैथ कुछ नहीं आता? फिर स्कूल जाके करता है तू? स्कूल में सिखाते नहीं है? नहीं, नहीं? तेरे सर को पूछो सिखा देगी नहीं तो? पूछो। पूछो बोल रहा है, कुछ भी नहीं आता है इसको, सिर्फ किताबें लेके बैठ गया। कैसे पढ़ाई करेगा अब? पढ़ाई करूंगा। कैसे करेगा? पर जो सर ने बोला वही लिखने का। लिखने का नहीं, पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसे बोलता है पढ़ाई। सिर्फ लिखना थोड़ी होता है उसमें। क्या करेगा अब? नए पुस्तक। अबे नए किताबें के क्या करेगा तू अगर पढ़ना लिखना ही नहीं आता है तो? चला गया देखो, अब कुछ आता तो नहीं है, सिर्फ शान पट्टी, सिर्फ शान पट्टी करने की। देखो ये कार्तिक झूठ बोल के बाहर जा रहा है, घर में बोल रहा है कि मैंने पढ़ाई की है, और स्कूल से आते ही गया था कंची खेलने के लिए, अभी फिर से जा रहा है, और उसके पीछे पीछे अबरोन भी जाएगा। और दोनों भाई की लड़ाई, 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 लड़ाई। गिर गए सारे कंची नीचे, गिर गए, गिर गए, गिर गए। उठा ले, उठा ले, उठा ले। गया उधर, उठा ले, उठा ले कार्तिक, कार्तिक उसे मत देना, उठा ले, उठा ले, उठा ले। अरे दे मत, दे मत। अबे क्यों दिए तूने? देखो कैसे रोता है, देखो। और देखो फिर से कंचे खेलने में लग गया। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंचे कंचे कंचे। तो गाइस मैं ब्लॉग बना रहा था और मैं रोड के पास गया, और वो कैमरे के सामने आती कुछ कैसे पागल जैसे बिहेव कर रहा था, कुछ पागल जैसे ही बोल रहा था। मैं बोलता हूँ अब वो मत बोल, वो मैं ब्लॉग में नहीं डाल सकता क्योंकि ऐसे पागल जैसे कुछ बोल रहा था। कार्तिक कैसे बोल रहा था? अरे वो ब्लॉग में मत बताना, बताना मत, बताना मत।
भाई ऐसे मत बताना, पता नहीं भाई कहाँ से सीख गया है। तो गाइस रोहन को तो जाने दो, मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है तो मैं करता हूँ वर्कआउट। और गाइस मैं कर रहा हूँ आज वर्कआउट, चलो करते हैं। तो आज भी गाइस मैं कर रहा हूँ वर्कआउट, तो चले अपने वर्कआउट करते हैं। तो अभी गाइस हमारा वर्कआउट हो चुका है, हमारा नहीं तेरा सब। तो गाइस अभी मेरा वर्कआउट हो गया है और कार्तिक के बाद 5 मिनट किया उसने, सिर्फ पैसा वैसा किया उसने, इधर उधर घुमा हुआ और चला गया। तो मेरा वर्कआउट हो गया है तो अभी जाऊंगा नहाने और भूख भूत लगी तो करूंगा डिनर। तो आज के व्लॉग में से नहीं, अगर आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये तो पागल जैसे।